आज जैसा आपने नए सिरे से एक नए उसमें राजनीतिक दल में प्रवेश किया है, भाजपा छोड़ के कांग्रेस में है, इसके क्या रीजन रहे हैं, क्या कारण रहे हैं? आपको मालूम है कि 10 साल एक पार्टी में रहने के बाद वो पार्टी परिवार बन जाती है। परिवार को छोड़ना एक बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है। इसका भी एक कारण है, आप लोगों को मालूम है कि लाडवा में एक पार्क बनने जा रहा था 4 साल से, वो पार्क किसी राजनीतिक कारण से वो सिरे नहीं चढ़ पाया। इसका भी एक कारण था कि लोग नहीं चाहते थे यहाँ पार्क बने। अगर वहाँ पार्क बन जाता तो आधा लाडवा इस पार्क में सैर करता, आधा लाडवा जंगल पार्क में सैर करता। इसका फायदा किसको होता? बीजेपी सरकार को होता। ये किसी कारण, किसी षड्यंत्र कारण ये पार्क सिरे नहीं चढ़ पाया। आपको मालूम है वार्ड नंबर 14 में कम्युनिटी सेंटर था, वो कम्युनिटी सेंटर भी नहीं बन पाया। आपको बहुत अधिक तरह से मालूम है कि लाडवा में एनडीसी का कितना रोड़ा रहा, एनडीसी नहीं निकाल के देते थे, नंबर 2 में एनडीसी निकलती थी, इसके लिए लोग तरह तरह की बातें करते थे, तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी और ऊपर कहीं भी सुनवाई नहीं थी। इसका सिर्फ एक ही कारण था कि अब मेरे जो मिलने वाले हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप बीजेपी सरकार को अलविदा कहकर कांग्रेस को ज्वाइन करें। जबरावला जी, क्या कारण रहे हैं कि आपको बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस का दामन थामना पड़ा, और कि मतलब कि क्या अंदर की बात है या कोई ये नगर पालिका के काम के कारण ही आपने पार्टी को चेंज किया? आपको अंदर की बात कोई बात नहीं है, आप मेरे से पूछने बजाय आम जनता से पूछे भी क्या कारण था कि लोग कितने परेशान थे एनडीसी के ऊपर, पोर्टल के ऊपर, ये अपना फैमिली आईडी के ऊपर कितने परेशान रहे। इस कारण जब लोगों की परेशानी हम दूर नहीं कर पाते तो फायदा क्या था रहने का। राजू जी, अभी आपने कहा कि नगर पालिका में एनडीसी को लेकर बड़े विवाद होते थे और जो है पैसे में निकलते थे वो, तो इसका मतलब नगर पालिका लाडवा के अंदर पैसे चलते थे किसी काम के लिए? ऐसा है, एनडीसी के बारे में किसी भी जो राजनीतिक आदमी होते हैं, जो एमसी होते हैं, जो प्रधान होते हैं, इनका कोई एनडीसी में कोई मतलब नहीं होता। लोग जो मर्जी कहें, एनडीसी जो निकलती है वो अधिकारियों के हाथों से निकलती है, ना कि किसी और के हाथों से। अभी तो आज जो एनडीसी निकलने लग गई है, आज लोग सुखी हैं, लेकिन जो पिछले 4.5 साल से लोग दुखी थे, इसका मुआवजा कौन भुगतेगा? राजू खुराना जी, आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और नगर पालिका चेयरमैन साक्षी खुराना से अभी थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता हुई थी, लेकिन वो अभी भी भाजपा में ही शामिल है, तो क्या कहेंगे? देखो, मेरी बात सुनो, उनकी अपनी विचारधारा है, मेरी अपनी विचारधारा है, वो भाजपा में रहे या ना रहे इससे मेरा कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मैंने बीजेपी छोड़ दी है, मैं कांग्रेस में ज्वाइन कर चुका हूँ। राजू जी, कहने को आज के डेट में लाडवा के अंदर आपको राजनीतिक का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि साक्षी खुराना जी को 2 बार लगातार यहाँ नगर पालिका से प्रधान चेयरमैन की कुर्सी बिठाने वाले में कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो अब आप कांग्रेस के लिए वोट मांगोगे और वो बीजेपी के लिए, क्या इससे दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं बहुत नुकसान नहीं होगा? देखो, मेरी बात सुनो, हर आदमी का अपना वो है, ये जीत हार तो लोगों के हाथ में है। उनको अगर साक्षी खुराना के काम ठीक लगे थे तो लोगों ने साक्षी खुराना को वोट दे दी मेरे कहने से, तो अब जो वोट डलेगी उसका पता लगेगा। अब तक तो मैं कुछ कह नहीं सकता था कि मैंने बनाया है या परमात्मा ने बनाया है या लोगों ने बनाया है, लेकिन जो मेरी थ्योरी है, लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया, वो बन गए। अब आगे की जब राजनीति आएगी उसके बारे में फिर विचार किया जाएगा। राजू जी, तो आपका बड़प्पन है कि आपने इतनी बात की है, पर लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ आपका रहा है। नहीं, अपना हाथ कभी नहीं होता। अगर कोई आदमी अपने आप को परमात्मा समझ ले वो कभी काबजा नहीं हो सकता। मेरा हाथ ना कभी था ना कभी है, मैं तो साथ खड़ा था और परिवार के साथ तो 24 घंटे खड़ा रहना ही पड़ता है। लेकिन एक पार्टी को छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, जो आज मैंने डिसीजन दिया है ये कोई छोटा मोटा सीन नहीं है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। राजू जी, एक बार 2014 के अंदर भी आपने एक डिसीजन यही लिया था जब आपने अनिलों का अलविदा किया था और भाजपा में आए थे, तब क्या सोच कर आए थे? मैं सोच के नहीं आया था, मैं लोग जो मुझे अपने मित्र, अपने साथी, अपने साथ लगने वाले लोग जो कहते हैं, कई दफ़ा उन पर विचार करना पड़ता है और बार बार विचार करने के बाद मैंने सोचा कि बीजेपी सरकार में आना ठीक है। लेकिन आज के टाइम में आप लोगों को मालूम है व्यापारी कितना दुखी है। व्यापारी का दुख का कारण एक नहीं है, क्योंकि अधिकारी हैवी है, व्यापारी दुखी है। जब तक अधिकारी हैवी रहेगा तो व्यापारी और जनता दुखी रहेगी। राजू खुराना जी, लाडवा की जनता आपको बहुत अच्छी तरह से जानती है और समाज से भी आपको दर्जा दिया हुआ है कि अभी भी कांग्रेस में रह के भी आप जनता की ऐसी सेवा करते रहेंगे?
मैं जनता की सेवा 24 घंटे के लिए तैयार बैठा हूँ। मुझे ये नहीं पता मैं किसके लिए काम करता हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि जो भी आदमी आता है मैं उसके लिए काम करता हूँ। मैं ये नहीं पूछता वो कौन सी जात बरादरी से है, कहाँ से है, अमीर है या गरीब है, मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब से काम से है और उसका काम पहले भी कराता रहूँ और आगे भी कराता रहूँगा। राजू खुराना जी, भाजपा को छोड़ के आप अकेले ही आए हैं या आपके साथ कोई दूसरे भी पार्षद आए? देखो अभी तो 2-3 पार्षद ही मेरे साथ आए हैं, लेकिन अभी पता लगेगा जब मैं आया हूँ तो मेरे साथ कितने लोग आते हैं, कितने लोग जुड़ते हैं, ये टाइम की बात है, क्योंकि पता तभी लगता है जब इलेक्शन आता है। कौन कौन से पार्षद आए हैं आपके साथ? मेरे पास वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 13, एक वार्ड नंबर 8 का प्रतिनिधि है रुदन, वो भी मेरे साथ ही है, क्योंकि वहाँ पे कोई एमसी तो है नहीं, क्योंकि वार्ड नंबर 11 का पार्षद वही आज के टाइम में कार्यकारिणी। तो राजू खुराना जी, आपने कांग्रेस का दामन तो थाम ही लिया है, तो क्या कहेंगे लाडवा की जनता को? मैं तो लाडवा की जनता को कहूंगा कि अब की बार कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस के उम्मीदवार को जताने का काम करें। तो मेवा सिंह जी की अगर बात की जाए, मेवा सिंह जी विधायक है लाडवा के, लेकिन उनके बारे में जनता एक ही बात बोलती है कि मेवा सिंह जी लाडवा में सिर्फ 4 लोगों के लिए बने हैं, 4 लोगों के बीच में आते हैं और चले जाते हैं। लाडवा में आज तक उन्होंने लाडवा की आवाज़ नहीं उठाई, ना गरीब जनता की आवाज़ सुनी। क्या लाडवा की जनता उनको वोट देगी? ऐसा बगैर सरकार के क्या आवाज़ उठानी और क्या नाम उठानी, लेकिन जो लोग ये कहते हैं 4 लोगों के बीच में आते हैं, ऐसा नहीं है। मेवा सिंह जी शरीफ और बड़ी आदमी है, उनको जो जहां बुलाता है वहीं पे चले जाते हैं। तो राजू जी क्या कहना चाहोगे, भाजपा और कांग्रेस में अब की बार जो बड़ा गहरा मुकाबला रहेगा, तो विजय श्री जो है आपके हिसाब से किसके हाथ में? विजय श्री मेरे हाथ में नहीं है, विजय किसके हाथ लग सकती है? विजय श्री आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि जितनी वोट की वैल्यू मेरी है इतनी वोट की वैल्यू आपकी है। अगर आप लोग वोट डालोगे तो अब की बार कांग्रेस सरकार बनेगी।